Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive. Hello friends, hope you all are well. आप लोगों को वीट ग्रास जूस के फायदे तो पता ही होंगे, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने से लेके आपके स्किन को अच्छा रखने तक, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना, आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखना, आपकी विसरा हेल्थ के लिए और आपकी स्किन के लिए आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखना। वीट ग्रास जूस सारे न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वीट ग्रास जूस को पीने का सही टाइम है सुबह, बिना कुछ खाए खाली पेट। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका प्रोसेस बनाने का, उगाने का प्रोसेस क्या होता है वीट ग्रास का, और इसका जूस का बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को लेके आया हूँ इस फार्म पे जहाँ पे मैंने उगाई है वीट ग्रास, उसको काटेंगे, उसका जूस बनाएंगे, सारी प्रोसेस को मैं समझाऊंगा आपको। तो आइए मेरे साथ देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीट ग्रास को 6 से 7 दिन पहले उगाया था। तो हम जब गेहूँ को उगाते हैं, उगने के लिए 7 दिन चाहिए होते हैं जब प्रॉपर वीट ग्रास रेडी होती है। तो इसको 6 से 7 दिन हो चुके हैं, तो आज इसका हार्वेस्ट का टाइम है। तो वीट ग्रास उगाने के लिए तो अच्छी क्वालिटी के गेहूं चाहिए। उन गेहूं को रात भर आप पानी में सोख करके रखें। रात भर सोख करने के बाद गेहूं का पानी ड्रेन कर दें और जो गेहूं बचेगा उसको आप मिट्टी में डाल दें। उसके ऊपर से मिट्टी डाल के उस पर थोड़ा सा पानी डाल दें और 7 दिन तक वेट करें। 7 दिन के बाद उसमें अच्छी सी वीट ग्रास आ जाएगी जिसको आप हार्वेस्ट करके उसका वीट ग्रास जूस बना सकते हैं। तो चलिए वीट ग्रास को हार्वेस्ट करते हैं। हम इसको कैंची से भी काट सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर वीट ग्रास है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 2 ग्लास जूस के हिसाब से वीट ग्रास को काट लिया है। सो फ्रेंड्स, वीट ग्रास 7 दिन का टाइम लेती है आने में। आप लोग अपने घरों में 7 गमले रख सकते हैं, 7 गमले जिनमें आप वीट ग्रास उगा सकते हैं। हर एक दिन 1 गमले में वीट ग्रास उगाइए, तो आपको जब 7 दिन होंगे तो पहला गमला तैयार हो जाएगा और उसके दूसरे दिन दूसरा गमला। तो 7 दिनों के लिए 7 गमले तैयार कीजिए जिसमें आप वीट ग्रास उगा सकते हैं। वीट ग्रास को 2 बार काट सकते हैं। हम वीट ग्रास को 1 बार काटेंगे, फिर ये 7 दिन बाद दोबारा से उगाती है, तो इसको दूसरी बार काट सकते हैं। 2 बार काटने के बाद हमें दोबारा से गेहूं को उगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार के बाद इसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। सो ट्राई कीजिए कि तीसरी बार के लिए दूसरा गेहूं उगाएं। तो चलिए इसको कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीट ग्रास को अच्छे से वॉश कर लेंगे जिससे इसकी मिट्टी वगैरह जो भी इस पर ऊपर से लगी हुई है वो निकल जाए अच्छे से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने वीट ग्रास को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, हम वीट ग्रास को अब मिक्सर में डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये वीट ग्रास को मैंने मिक्सर में डाल दिया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। एक बार ग्राइंड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और एक बार फिर से अच्छे से ग्राइंड करेंगे इसको। आप देख सकते हैं हमारी वीट ग्रास अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसको स्ट्रेनर से एक बर्तन में छान लेंगे या ग्लास में। आप देख सकते हैं हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कुछ जूस और रह गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ऊपर से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इतना सा पल्प बचा हुआ है, ये वीट ग्रास के फाइबर्स हैं, तो हम इनको हटा देंगे। आप देख सकते हैं हमारा वीट ग्रास जूस तैयार है। अगर आप इसको रोज खाली पेट पीते हैं तो
तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है क्लोरोफिल, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।